अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने लगे हैं हम चिकन कढ़ाई, जो झटपट तैयार होगी। बहुत ही कम टाइम में ये चर्सी चिकन कढ़ाई बनाएं और खाएं। रेस्टोरेंट से बेहतर घर में चिकन कढ़ाई। सबसे पहले ये सब्ज़ मिर्च, प्याज, टमाटर और लहसुन को मैं इसमें से घी में फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके इसे हम ग्राइंड करेंगे, पीस लेंगे अच्छी तरह से और उसी घी में हम डाल देंगे चिकन को। थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन को काट के डाला है और ज़ीरा डाला है। अब इसमें हम अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे ताकि चिकन का कच्चापन दूर हो और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। चिकन का कच्चापन दूर करने के लिए चिकन को मैं 5 मिनट फ्राई करूंगी अच्छी तरह से। जब लाइट सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें अपना जो मिक्सचर हमने टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च का डाला है वो डाल देंगे। अब मैं डालूंगी इसमें 1 स्पून नमक का, क्योंकि नमक जब डाल देंगे इसमें और ये हमारी चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। टाइम पे मैं 1 स्पून नमक डालूंगी और फिर हम चिकन को अच्छी तरह से कसते रहेंगे फ्राई। वो मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए और फिर वो पीस कर हमने डालने हैं इसमें टमाटर, प्याज, अदरक को मैं कूट कर डालूँगी। मैं ये मसाले को अच्छी तरह से पीस लूँगी। मसाला पीस कर बारीक, बिल्कुल बारीक पीसेंगे और चिकन भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे अपना टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और अच्छी तरह से इसे लगाएंगे भुनी चिकन चर्सी कढ़ाई। घर में बनाएं, यकीन करें इतनी मज़े की ये कढ़ाई बनती है कि आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे। अब मैं डालूंगी इसमें 1/2 स्पून सुरख मिर्च, क्योंकि बिल्कुल हम घर के ही मसाले डालेंगे, कोई बाहर का मसाला नहीं डालेंगे। 1/2 स्पून डाल दी इसमें मैंने सुरख मिर्च। हाफ स्पून इसमें डालेंगे हम हल्दी, हल्दी डाल दी और ज़ीरा हमने पहले डाल दिया था। गरम मसाला हम डालेंगे इसे जब उतारेंगे, सब्ज़ मिर्च और गरम मसाला। अब मैं डालूंगी इसमें सब्ज़ मिर्च। माशाल्लाह से ये कढ़ाई जी हमारी तैयार हो गई है और मसाला अब बहुत ही मज़े की ये लग रही है। घर में बनाएं, यकीन करें बहुत ही मज़े की चटपटी आपकी कढ़ाई तैयार होगी।
थोड़ा सा मैं डालूंगी ऊपर से गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला आप डाल दें। बोनस चिकन की कढ़ाई, माशाल्लाह से कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है जो बहुत ही मज़े की बनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब भी हमें इजाज़त मिलती है अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।